स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीएससीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक विंडोज सर्वर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिकली डीएससीपी का यूज क्या होता है और क्या क्या इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले डीएससीपी के बारे में हम जानते हैं। डीएससीपी होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कभी भी कोई कंपनी एनवायरमेंट में जब आपके मल्टीपल पीसी सिस्टम्स कनेक्ट हो रखे होते हैं, तो विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएगा, राइट। लेकिन अगर आपके 500 या ज्यादा आपके सिस्टम है, ठीक है, इवन आपके 50 भी अगर सिस्टम नए आते हैं, तो आप उनको क्या करेंगे, वन बाय वन मैनुअल असाइन करेंगे आईपी एड्रेस? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक सर्वर बनता है जिसको हम बोलते हैं डीएससीपी सर्वर, विंडोज सर्वर पे, और उसी पे हम ये सारी चीजें रोल इंप्लीमेंट करते हैं या कस्टमाइज करते हैं कि जितने भी सिस्टम उस पर्टिकुलर डोमेन एनवायरमेंट में कनेक्ट हो उनको आईपी एड्रेस मिल सके ऑटोमेटिकली। तो डीएससीपी बेसिकली जो मेन रोल इसका होता है, यूज होता है, वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराने के लिए होता है उनके क्लाइंट्स के लिए। तो डीएससीपी में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे हम इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, फिर रिजर्वेशन के कि रिजर्वेशन किस हिसाब से करते हैं, फिर उसका बैकअप एंड रिस्टोर डीएससीपी सर्वर का किस हिसाब से होता है उसको हम करेंगे कि डीएससीपी सर्वर का बैकअप लेंगे एंड देन इसको रिस्टोर करके देखेंगे कि सपोज आपका डीएससीपी सर्वर खराब हो जाए, ठीक है, फॉर्मेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग एल्स हो जाए, तो उसको हम किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन को। और उसके बाद हम देखेंगे लोड बैलेंसिंग इन डीएससीपी कि डीएससीपी में सपोज करो एक डीएससीपी सर्वर है आपके एनवायरनमेंट में, कंपनी एनवायरनमेंट में, और वो डीएससीपी सर्वर कुछ वजह से प्रॉब्लमेट हो जाए, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस अलॉट नहीं कर पाएगा। आईपी एड्रेस अलॉट नहीं कर पाएगा तो सिस्टम को आईपी एड्रेस नहीं मिल पाएंगे, आईपी एड्रेस नहीं मिलेंगे तो सिस्टम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी और नेटवर्क डिवाइस से, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम लोड बैलेंस करेंगे डीएससीपी में और हम उसको हाई अवेलेबिलिटी में बना सकते हैं कि अगर एक हाई डीएससीपी सर्वर गोज डाउन, एक डीएससीपी सर्वर डाउन भी हो जाता है तो भी दूसरा डीएससीपी सर्वर आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता रहे। तो ये टॉपिक्स हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएससीपी। तो डीएससीपी, तो डीएससीपी इज अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि ये क्या नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जो कि आईपी पे काम करती है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, और क्या काम आती है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराने के लिए। बेसिकली डीएससीपी जो होता है वो आपके डोरा प्रोसेस पर काम करता है। डोरा प्रोसेस क्या होता है, डोरा प्रोसेस विद इन दिस आपके जो डीएससीपी सर्वर है और आपके क्लाइंट के बीच में होता है, क्या होता है, डी स्टैंड फॉर डीएससीपी डिस्कवर, ओ स्टैंड फॉर ऑफर, आर स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट, ए स्टैंड फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डिस्कवरी होती है कि आपको डीएससीपी सर्वर मिलना चाहिए। तो क्लाइंट क्या करता है, डिस्कवर करता है कि मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए, तो डीएससीपी सर्वर कहाँ है पूरे सिस्टम में, पूरे नेटवर्क में, ठीक है, जिससे मेरे को आईपी एड्रेस मिल जाए। जब उसको डीएससीपी सर्वर की एंट्री मिल जाती है, देन क्या होता है, डीएससीपी सर्वर की तरफ से एक ऑफर जनरेट होता है कि क्लाइंट के लिए कि आप, ठीक है, मेरे को आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो ये मेरे एक आईपी एड्रेस है जो मेरे पास फ्री पड़ा हुआ है, इसको अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, और ऑफर करता है, राइट राइट। फिर उसके बाद होती है डीएससीपी रिक्वेस्ट। ये ऑफर जब उसके पास जाता है क्लाइंट के पास, तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है कि हाँ मेरे पास ये, मैं आईपी ये ले सकता हूँ, मेरी डिटेल जो है, मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरी सिस्टम की डिटेल ये, मेरा होस्ट नेम ये है, ये सारी डिटेल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, क्लाइंट बोलता है। तो ये क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट जाती है कि भाई ये सारी इंफॉर्मेशन है मेरी और ये आप ले लो और मेरे को ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा दो। देन डीएससीपी एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट होता है, डीएससीपी सर्वर बोलता है ठीक है मैंने आपकी इंफॉर्मेशन सारी नोट कर ली है, मैंने सारा आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस है ये पर्टिकुलर मैं आपको दे रहा हूं, और इतने लीज के लिए, लीज मतलब ड्यूरेशन के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए वो आईपी एड्रेस आपके पास अलॉटेड रहेगा, ठीक है। और अगर आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होती है, देन वो आईपी एड्रेस, अगर आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होती है या आप अनअवेलेबल हो जाते हो, तो वो आईपी एड्रेस किसी दूसरे सिस्टम के पास चला जाएगा आफ्टर लीज कंप्लीशन, अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो। तो ये डीएससीपी का डोरा प्रोसेस होता है, जिस तरह से डीएससीपी इस पर काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं डीएससीपी में इंस्टॉलेशन। सबसे पहले इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एक डोमेन एनवायरनमेंट है, तो डोमेन एनवायरनमेंट में अगर मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इस सिस्टम जो मेरा डोमेन कंट्रोलर है उसका आईपी एड्रेस क्या है एंड उसका होस्ट नेम क्या है, तो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार।
ये मेरा, इसको मैं चेक करता हूँ, होस्ट नेम, राइट, होस्ट नेम मेरा ये है डोमेन कंट्रोलर का, और इसका मैं अगर देख लेता हूँ डोमेन क्या है, pms.com। इसका आईपी एड्रेस भी चेक कर लेता हूँ एक बार, आईपी एड्रेस है 172.16.0.1। ठीक है, सबसे पहले जब भी मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एक कंपनी में डोमेन बनवाता था, उसको आपको जो डीएनएस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, लेकिन डीएनएस जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हो रहा था। उसके आपको फुल क्यूरी रिजोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिवर्स लुकअप जोन बनाना पड़ता है, ठीक है। ये अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में जो मेरी डीएनएस कन्फिगेशन है उसमें आपको बता दूंगा। अभी आप न्यूजेम करके, जस्ट मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, जस्ट एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। पीटीआर क्या रिकॉर्ड होता है, पीटीआर रिकॉर्ड होता है पॉइंटर रिकॉर्ड, जो होस्ट रिकॉर्ड का अपोजिट होता है। ऑलराइट, ये हो गया। अब मैं अगर एनएस लुकअप चलाता हूँ कमांड, तो मेरे को प्रॉपर उसकी क्वेरी का रिजॉल्व होगा, राइट। तो इसका मतलब मेरा सिस्टम डोमेन डीएनएस प्रॉपर काम कर रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को डीएचसीपी अगर सर्वर इंस्टॉल करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके जो रोल हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मेरे को सर्वर मैनेजर में जाऊंगा अगेन में, अब मेरे को इसको ऐड रोल्स मेरे को करने पड़ेंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, जस्ट नेक्स्ट। यहाँ पे मैं रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन लूंगा क्योंकि अभी मेरे को पर्टिकुलर रोल इंस्टॉल करना है, सर्वर रोल, जस्ट नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए उस सर्वर का नाम आ जाएगा जो भी डोमेन कंट्रोलर में जिसमें सर्वर पे कर रहा हूं मैं, जस्ट नेक्स्ट। यहाँ पे डीएससीपी सर्वर का एक रोल का देखिए आप वो टैब है, इसको जस्ट मैं क्लिक कर दूंगा, ऐड फीचर बाय डिफॉल्ट जितने भी रहता है, जस्ट नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। अभी क्या होगा, डीएससीपी सर्वर का जो रोल है वो इंस्टॉल होगा, और देन हम जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद उसको हम कन्फिगर करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और नोटिफिकेशन पे जा करके जस्ट मैं क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन पे, तो यहाँ पे कंप्लीट डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट। इसके बाद ये जो ऑप्शन प्रॉम्प्ट करता है ये पूछता है कि किस यूजर को आप ऑथेंटिकेट कराना चाहते हो डीएससीपी के लिए, मतलब डीएससीपी सर्वर के लिए कौन सा पर्सन होगा जो रेस्पॉन्सिबल होगा, ऑथराइज पर्सन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रोल होता है आपकी कंपनी में वो यहाँ पे दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ, अदरवाइज क्या होता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, पर्टिकुलर यूजर नेम होता है जिस यूजर को ये डीएससीपी के सर्वर का हैंडल करने के लिए दिया जाता है, मतलब ऑथोराइज किया जाता है। तो फिलहाल तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ, जस्ट इसको कमिट कर देता हूँ एंड देन क्लोज, सर्वर मैनेजर को क्लोज कर देता हूं और डीएससीपी पे डीएससीपी को ओपन करता हूं। यहाँ पे विंडोज एडमिनिस्ट्रेट टूल्स में जाऊंगा मैं, यहाँ पे देखिए डीएससीपी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूं मैं, इसको एक्सपायर मैक्सिमाइज कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे ये जो बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं डीएससीपी का ये नाम, आपके जो सर्वर का नाम था, यहाँ पे IPv4 और IPv6, मतलब ये IPv4 भी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है, IPv6 भी, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं IPv4 पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक स्कोप बनाऊंगा, स्कोप मतलब होता है कि आप डिफाइन करते हो कि कहाँ से किस आईपी एड्रेस से किस आईपी एड्रेस तक की रेंज है अलॉट होनी चाहिए आपके डोमेन एनवायरमेंट में, आपके पर्टिकुलर नेटवर्क में। तो यहाँ पे मैं न्यू स्कोप करता हूँ, न्यू स्कोप में मैंने दे दिया डीएससीपी जस्ट फॉर लैन, ये केवल एक नेम एंड डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर कंपनी, जो भी आपका वो है पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, जस्ट नेक्स्ट। यहाँ पर आईपी एड्रेस असल के मैंने 0.5 से लेकर के 172.16.0.254, इसने ऑटोमेटिकली देख ली लेंथ ले ली, बाय डिफॉल्ट जो क्लास बी का सबनेट मास्क होता है वो बाय डिफॉल्ट क्लास फुल के लिए 255.255.0.0 होता है, इसलिए उसने 16 लेंथ ऑटोमेटिकली ले ली, जस्ट नेक्स्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर आप कोई
आईपी एड्रेस एक्सक्लूड कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि सपोज करो आपने रिजर्व ऑलरेडी कर रखा है आईपी एड्रेस नेटवर्क डिवाइस के लिए 172.16.0.2, तो यहाँ पे आप वो आईपी एड्रेस असाइन करा सकते हो जैसे ऐसे। तो ये सॉरी ये सबनेट उसमें नहीं है, ये सपोज करो 5 मैंने दे दिया, जैसे इसको नेक्स्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये आईपी एड्रेस अब किसी भी क्लाइंट को नहीं मिलेगा, ये रिजर्व हो रखा है, एक्सक्लूड हो रखा है इसके लिए अलग से। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट विंडोज सर्वर में जो रिलीज ड्यूरेशन होती है क्लाइंट के लिए वो होती है 8 दिन, जो अपन ने डिस्कस की थी। 8 दिन के बाद ऑटोमेटिकली अगर क्लाइंट की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आता है, उसके तरफ से रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होती दोबारा रिन्यूअल के लिए, तो ये आईपी एड्रेस किसी दूसरे सिस्टम को मिल जाता है। जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आपके एनवायरनमेंट में डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन हो रखा है तो आप यहाँ पे वो डिफाइन करेंगे। अभी मेरे पास कुछ भी डिफॉल्ट गेटवे नहीं है तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ सकता हूँ। जस्ट नेक्स्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो पेरेंट डोमेन का नाम जो pms.com था वो ऑटोमेटिकली लिया, और साथ साथ डोमेन कंट्रोलर का भी आईपी एड्रेस उसने रिजोल्व कर लिया। जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक्टिवेट फिनिश, यहाँ पे देखिए ये आपका स्कोप बन गया। राइट, एड्रेस पूल में जाएंगे तो ये आईपी एड्रेस दिख गया 5 से लेकर के 254 तक, और ये 5 वाला एड्रेस जो है वो एड्रेस एक्सक्लूड रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो अब अपन देखते हैं कि आईपी एड्रेस कैसे इसको वो होता है। मैं दूसरे सिस्टम पे जाता हूँ, एक बार मेरे पास विंडोज सर्वर है, देखिए ऑटोमेटिकली मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैं इसको यस कर रहा हूँ, ये डीएससीपी पे था, अगर आप देखना चाहें तो देखिए अभी इसको आईपी एड्रेस 169 की सीरीज में मिला हो, मतलब अपीपा एड्रेस, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस APIPA एड्रेस मिला हुआ है। अब मैं इसको जैसे ही देखिए मैंने इस पे किया था, ऑटोमेटिकली इसने आईपी एड्रेस उठा लिया 6 वाला। राइट, यही एंट्री और 0.1 डीएससीपी सर्वर डीएनएस सर्वर, ये एंट्री, यही मैं एंट्री अगर मैं यहाँ पे देखूंगा एड्रेस लीजेस में तो इसकी एंट्री यहाँ पे आ गई होगी। ये देखिए लीज ड्यूरेशन भी आ गई, एक्सपायरेशन कब तक होगा, ठीक है, और ये इसका नाम आ गया 44KQ.PMS.com। अगर मैं देखता हूँ इसको CMD में जाके होस्ट नेम, तो देखिए 44KQ, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सेट कर सकते हो आप DHCP सर्वर को। अब दूसरी चीज आती है रिजर्वेशन, कि सपोज करो मेरे पास ये सिस्टम था, ठीक है, और इसको मेरे को आईपी दूसरा देना है, पर्टिकुलर ये आईपी नहीं देखना, बस मेरे को उसका मैक एड्रेस चाहिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, गेट मैक से उसका आईपी मैक एड्रेस उसका निकाल लेता हूँ, उस मैक एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट वापिस मैं DHCP पे गया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन में क्या होता है आपको रिजर्व करना पड़ता है मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस से रिलेटेड उसका आईपी एड्रेस ये बाइंड हो जाता है परमानेंटली, ताकि वो किसी और को भी नहीं मिलता। जस्ट मैं राइट क्लिक करूंगा न्यू रिजर्वेशन, यहाँ पे मैंने दे दिया मेंबर सर्वर, आईपी एड्रेस दे दिया 0.10 सपोज कीजिए, यहाँ उसका मैक एड्रेस दे दिया, डेस्क्रिप्शन डाल सकते हैं मेंबर सर्वर ऑफ डीसी। यहाँ पे दो तरह की प्रोटोकॉल होती है, एक तो DHCP प्रोटोकॉल होती है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट 67 और 68 पोर्ट पे चलती है, फिर दूसरी होती है बूट प्री प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। ड्यूरिंग द जब आपका PXE इनिशियलाइजेशन होता है, प्री बूट एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट होता है, जिससे ऑटोमेटिकली लैन कार्ड के थ्रू बूट करते हैं अपन सिस्टम, तब ये प्रोटोकॉल काम में आती है। तो अभी मैं बोथ के लिए ले लेता हूँ और जस्ट ऐड कर देता हूँ क्लोज, यहाँ पे उसका रिजर्वेशन बन गया। अब देखिए मैं यहाँ पे गया वापिस सिस्टम पे, अभी मैं चेक करता हूँ आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस अभी 6 ही है, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस एक बार रिन्यू करना पड़ेगा, रिलीज रिन्यू। तो क्लाइंट सिस्टम पे जाके मैं क्या करूंगा, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रिलीज, इससे क्या होगा आईपी एड्रेस रिलीज हो जाएगा, मतलब ये आईपी एड्रेस चला जाएगा, कोई आईपी एड्रेस अब आप देखो नहीं दिख रहा। उसके बाद वापस मेरे को इसको रिन्यू करना पड़ेगा, रिन्यू से वापस इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा।
ये देखिए ऑटोमेटिकली इसको 10 आईपीएम मिल गया, पहले 6 था अब 10 मिल गया, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे रिजर्व करा दिया था, रिजर्वेशन इसका कर दिया था। तो इस तरह से ये आपके इसमें ऑप्शन होते हैं, वन बाय वन हम इसको बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले अब हम देखते हैं ये तो आईपी एड्रेस असाइन कराने का तरीका हो। अगर आपको मल्टीपल आपको इसमें ऑप्शन सेट करने डीएससीपी सर्वर में, तो आप यहाँ जाके कर सकते हैं सर्वर ऑप्शन में, राइट क्लिक करेंगे कन्फिगेशन कन्फिगर ऑप्शन। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से, सपोज करो आपके यहाँ पे एनवायरनमेंट में टाइम सर्वर है, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेम सर्वर है, एनएस सर्वर है, तो उसको आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर रखा था डीएनएस सर्वर है, तो डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा डीएनएस सर्वर की एंट्री मेरे पास है 172.16.0.1 एड, राइट, ये वैलिडेट हो रहा है, इस पे ये हो गया जस्ट अप्लाई। तो ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, जो सिस्टम को इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पे उसकी ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि डीएनएस सर्वर की एंट्री उसके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था किसका, डीएससीपी सर्वर का। अब हम इसको क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग करके देखेंगे, लोड बैलेंसिंग या फिर आप इसको हाई वेलोसिटी में चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमको एक मेंबर सर्वर चाहिए, तो मेंबर सर्वर हमारा ऑलरेडी तैयार हम कर सकते हैं इस सिस्टम पे। हम देख लेते हैं फायरवॉल को एक बार और इसको ऐड करा देते हैं, मेंबर बना देते हैं उस डोमेन कंट्रोलर का। ओके सारी बंद है, ऑलराइट बंद है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मेंबर सर्वर बनाता हूँ। मेंबर सर्वर बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको आपको सबसे पहले तो आपको क्लाइंट में ऐड करना पड़ेगा, क्लाइंट मतलब एज अ क्लाइंट बनाना पड़ेगा उस डोमेन का। तो सबसे पहले मैं डोमेन का क्लाइंट बनाता हूँ, इसको जस्ट चेंज में गया, डोमेन में गया, नाम दे दिया pms.com, pms.com, और यहां पे उसका पासवर्ड आ जाएगा, ओके ओके, रीस्टार्ट होगा, ये रीस्टार्ट नाउ। जब तक ये रीस्टार्ट होता है, जब तक अपन क्या करते हैं, डोमेन कंट्रोलर पे जाकर के मैं एक यूजर बनाता हूँ जिसके पास परमिशन होगी डोमेन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी में दो तरीके के डोमेन इसमें काम करते हैं, एक तो होता है एंटरप्राइज एडमिन और एक होता है डोमेन एडमिन। जहां हम फॉरेस्ट लेवल की बात करते हैं, फॉरेस्ट लेवल मतलब मल्टीपल डोमेन्स की, तो वहां पे आपका एंटरप्राइज एडमिन हम यूज करते हैं, और जहां पे पर्टिकुलर हम एक डोमेन की सिंगल डोमेन जैसे मेरे पास अभी है उसकी बात कर रहा हूं, तो मैं केवल उसको एंटरप्राइज डोमेन की जगह केवल डोमेन एडमिन में उसको ऐड कर सकता हूँ। तो अभी मैं एक यूजर बना देता हूँ एडमिन करके, एक ओयू पहले मैंने क्रिएट कर ली, आईटी एडमिन, यहां एक यूजर बना दिया मैंने, यूजर वन, ऑलराइट, और इसको मैंने ऐड करा दिया डोमेन एडमिन में, मेंबर ऑफ ऐड, यहां मैंने डोमेन एडमिन में इसको ऐड करा दिया। बाय डिफॉल्ट डोमेन यूजर का होता है, आप डोमेन एडमिन में भी इसको मैं ऐड कराता हूँ, जस्ट चेक नेम, तो देखिए डोमेन एडमिन आ रहा है, जस्ट ओके ओके ओके। अभी ये तो आपका तैयार हो गया यूजर, ठीक है। अब मैं वापस डीएससीपी सर्वर पर करता हूँ। डीएससीपी सर्वर में बैकअप कैसे लिया जाता है, बैकअप लेने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट आप सर्वर पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बैकअप, इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हो अकॉर्डिंग जो भी अगर आपकी स्क्रिप्ट है उसके थ्रू, और वैसे भी आप नॉर्मल ले सकते हो। सपोज मैंने इसका बैकअप ले लिया, एक लोकेशन बना देता हूं मैं, डेस्कटॉप पे मैंने सपोज करो बैकअप नाम का एक फोल्डर बना रखा है, और ओके कर दिया, तो बैकअप अभी उसका वहां पे सेव हो गया है, ठीक है। मैं आप चेक भी कर सकता हूं, गया इसमें यहां पे देखिए बैकअप,
ये देखिए ऑलरेडी बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करो एक्सीडेंटली मेरा ये स्कोप डिलीट हो जाता है और मेरे को नहीं पता कि स्कोप क्या था, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ उसको, अब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि उस पर क्या क्या हुआ था, तो उसको फिर कैसे रिस्टोर करूंगा बैकअप को। राइट क्लिक, जस्ट वापस 2 मिनट पे गया डीएससीपी में, यहाँ पे जस्ट रिस्टोर का ऑप्शन आता है, सेलेक्ट करोगे आप और यस ऑटोमेटिकली वही सारी कॉन्फ़िगरेशन, वही सारा स्कोप की डिटेल सारी ऑटोमेटिकली जो भी आपका बैकअप से पहले था, जिस एक्सीडेंशियल डिलीशन के पहले, वो एज इट इज आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये देखिए इसको एक्सपांड कर देता हूं मैं, द डेटाबेस वाज रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए ऑटोमेटिकली वापस सारी चीजें वैसी आ गई। तो इस तरह से बैकअप का आप डीएससीपी सर्वर का बैकअप और रिस्टोर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं वापस आपके मेंबर सर्वर पे चलता हूँ, यहाँ पे बस स्टार्ट होने वाला है मेंबर सर्वर। इस सिस्टम को जो मेरा मेंबर सर्वर बनाया, इसको जस्ट मैं लॉग इन करूंगा यूजर वन के नाम से, जो पासवर्ड मैंने सेट किया हुआ था। लोड बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले मेरे को सर्वर मैनेजर में डीएससीपी का जो रोल है सेम इस मेंबर सर्वर पे डालना पड़ेगा। उसके लिए सर्वर मैनेजर में वो ऐड रोल्स एंड फीचर में जाकर के मैं इसको क्लिक करता हूँ। जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे आपका सर्वर का जो सिलेक्शन आ जाएगा, इस तरह से 0.10 जो अपना आईपी एड्रेस अपने रिजर्व किया था पर्टिकुलर डीएसपी सर्वर से, जस्ट इसको नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे डीएसपी सर्वर पे सेलेक्ट करके जस्ट टिक मार ऐड फीचर, जस्ट नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल। हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, हम केवल इसको रोल इनेबल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एटलीस्ट आपके जो मेंबर सर्वर है उस पर आपका कम से कम रोल तो इनेबल होना चाहिए, तभी आप डीएससीपी का जो लोड बैलेंसिंग है वो आप प्रिपेयर कर पाओगे। राइट, इंस्टॉलेशन आपका इंस्टॉल सर्वर रोल जो इसका इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट क्लोज इट। नोटिफिकेशन में जाके कंप्लीट डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट इसको मैं कमिट कर दूंगा जिस भी यूजर से मैंने किया हुआ था, जस्ट यस कमिट क्लोज। ठीक है, अगर मैं इसमें डीएससीपी में जाकर के चेक भी करता हूँ तो डीएससीपी में मेरे को कुछ भी इसमें अभी नई रोल वोल कुछ भी स्कोप नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने अभी तक इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हो जैसे मैं इसको डीएससीपी पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। राइट, तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा प्राइमरी डीएससीपी सर्वर है उस पर जाता हूँ। यहाँ पे सर्वर पे जाके कि मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा किस स्कोप के लिए मेरे को फेल ओवर या लोड बैलेंसिंग करनी है। सपोज करो मेरे पास ये स्कोप है, पहला स्कोप, और इसके लिए मेरे को लोड बैलेंसिंग करनी है। तो इस स्कोप पे जाके जैसे मैं राइट राइट क्लिक करूंगा और कॉन्फिगर फेल ओवर करूंगा, यहाँ पे जितने भी अवेलेबल स्कोप है उन सबके लिए या पर्टिकुलर इसके लिए, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ऑल कर रखा है, तो जितने भी स्कोप थे सबके लिए हो जाएगा। जस्ट नेक्स्ट, यहाँ पे पार्टनर सर्वर को ऐड करूंगा, ऐड सर्वर करके, ठीक है, ब्राउज, यहाँ पे एडवांस में जाऊंगा और फाइंड नाउ, जितने भी आपके सर्वर्स होंगे सिस्टम्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये देखिए कंप्यूटर्स में ये बना हुआ है मेंबर सर्वर, जस्ट 344KQ। इसको जस्ट ओके कर देता हूँ, ओके एंड देन ओके, ये सर्वर आ गया पार्टनर सर्वर, मतलब इधर ये आपका फेल ओवर सर्वर रहेगा। जस्ट नेक्स्ट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप नेम आ गया, मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम कितने आवर्स के लिए रहेगा, 1 आवर्स, मोड क्या है, लोड बैलेंस करना है, अगर आपको लोड बैलेंस नहीं करना, आपको हॉट स्टैंड बाय में रखना है तो आप वो भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। हॉट स्टैंड बाय में करते हो तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन रोल ऑफ पार्टनर सर्वर का वो क्या है, अभी स्टैंड बाय में है, उसको एक्टिव करना तो एक्टिव में भी रख सकते हो। एड्रेस रिजर्व फॉर स्टैंड बाय सर्वर 5% एड्रेस रिजर्व रहेंगे, मतलब 95% आपके एक्टिव के पास रहेंगे।
राइट अगर आपको सपोज लोड बैलेंस में जाना है तो लोड बैलेंस में यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे जो भी चीज सेट करनी है, फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने यहाँ पे दिया 60%, तो लोकल सर्वर मतलब आपका जो प्राइमरी सर्वर है डीएससीपी सर्वर, वो 60% लीज प्रोवाइड कराएगा क्लाइंट्स को, और जो पार्टनर सर्वर है वो 40% लीज प्रोवाइड कराएगा क्लाइंट को। मतलब अगर आपने 100 IP एड्रेस आपने अलॉट करा रखे हैं स्कोप में, तो 60 IP एड्रेस तो आपका प्राइमरी सर्वर देगा और 40 IP एड्रेस आपका सेकेंडरी सर्वर देगा। ठीक है, यहाँ पे स्विच ओवर इंटरवल जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट 60 मिनट है, इसको मैं इसको एज इट इज लीव रह देता हूँ। इनेबल मैसेज ऑथेंटिकेशन, ये बेसिकली आपके डीएससीपी सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन में होता है। यहाँ मैं आपका सीक्रेट की दे देता हूँ जो इनके खुद के वैलिडेशन के लिए होता है, जस्ट नेक्स्ट एंड जस्ट फिनिश। ये देखिए सक्सेसफुल सक्सेसफुल हो गया, सब कंप्लीट क्लोज कर दिया। ठीक है, यही चीज अब मैं जब वहां पे सेकेंडरी पे जाता हूँ, यहाँ पे डीएससीपी सर्वर ओपन करता हूँ, एक्सपांड करता हूं इसको मैक्सिमाइज। अब देखिए ऑटोमेटिकली वो जो सारा स्कोप था वो आपके यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने लोड बैलेंस कर सकते हैं। अभी ये रेप्लिकेट केवल वन टाइम है। अगर आपको सपोज करो मैंने यहाँ पे एड्रेस पूल में से इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, राइट, अब मैं सेकेंडरी उस पर जाके देखूंगा, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे अभी गया नहीं है बिकॉज रेप्लीकेट नहीं हुआ चेंजेस। रेप्लीकेट के लिए मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करा और रेप्लीकेट स्कोप यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी आपने चेंजेस किए हैं प्राइमरी सर्वर पे वो ऑटोमेटिकली आपके सेकेंडरी सर्वर पे शो होने लगेंगे। तो रेप्लीकेट स्कोप जब मैं कर देता हूँ, देखिए ओके, अब मैं चेक करता हूँ रिफ्रेश मार के, तो वो वहां से चला गया। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। जब भी आप कोई नया स्कोप बनाते हैं तो उसके लिए आपको फेल ओवर पार्टनर क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और स्कोप बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ठीक है टेस्ट, कोई भी दूसरे आईपी उनके लिए 0.1 से 192.168.0.254 के लिए, जस्ट नेक्स्ट 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 फिनिश। ऑलराइट, तो ये जो स्कोप है ये स्कोप मेरा यहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज मैंने इसके लिए अभी कोई फेल ओवर करना फेल ओवर पार्टनर तैयार नहीं किया। तो उसके लिए अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक कॉन्फिगर फेल ओवर यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आप फेल ओवर इसमें आप करके देख सकते हैं, साथ साथ लोड बैलेंसिंग डीएससीपी में भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में और डीएससीपी की जो कमांड्स होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।